ओम नमो नारायण, ओम गुरुवे नमः। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने थोड़ी थोड़ी चीजें लगा रखी है, कोशिश है, देखिए लगा क्या रखी है। देवी माँ की कृपा है, पौध बीज आप लोग दे देते हैं तो लग जाता है या कहीं से मिल जाता है। इस कड़ी में देखिए मैं खुद भूल जाता हूँ मैंने क्या लगाया है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जैसा मैं बताऊं, ये देखिए हमने यहाँ कुछ पौधे सूरनकन लगा दिया है क्योंकि मैं कुछ खाने पी जड़ी बूटियों के साथ अपनी सब्जी भी उगा लेता हूँ। और यहाँ पे ये दो जगह में नालियों में शायद तिखुर कंदे अब निकले बारिश होगा तो। इसी के साथ ही आपने ये देखा होगा, कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा, जो कि आप शायद ना ही जानते हो। और ये कुछ दो मुझे लग रहा है कंद लगा दिए होंगे हमने उसके अग्नि सिखा के तोड़े। यहाँ पे देखिए बहुत सी अजीब बात है कि ये परमल कहाँ से है मुझे नहीं पता। हो सकता है कि मैं पहाड़ ओढ़ में जाता हूँ या जंगल में जाऊंगा कभी, या नालों किनारे से बीज लाऊंगा, तो ये जो पटोल बोलते हैं ना, परवल के पत्ते दवाई वगैरह में, तो देखिए ये सब नेचुरल, ये जंगली है। ये परमल कभी हमने खेती करी है बचपन से 10-15 साल कंटिन्यू, तो उसमें ये परमल नहीं होता था। तो या तो ये बीज से ही आया है कहीं से, क्योंकि मैं एक बार गया था लेके आया था तो जड़ तो कंद नहीं उगे थे लेकिन ये परमल उग गया है। तो अब इसको देखें कैसा है। और साथ ही देखिए हमने ये सुथनी लगा रखा है, जो पूर्वांचल के लोगों को उन्हें पता होगा सुथनी, पूर्वांचल बिहार छत्तीसगढ़। तो ये शक्कर गोल गोल बैठता आलू की तरह और इसकी सब्जी बनती है और खाया जाता है, खासतौर से छठ पूजा वगैरह में इसका प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। और ये एक पहाड़ी बिधारा, ये मुझे याद है मैं पहाड़ पे गया था तो वहां से इसमें पीले फूल होते हैं, पीले फल होते हैं, फूल तो मैंने नहीं देखा था, पीले फल जब लाया था तो इसका बीज कहीं से गिर गया होगा, तो ये उग गया है, हो गया है मतलब। तो ये देखते हैं बिधारा हो जाएगा तो इसे यहीं छोड़ेंगे। और ये चक्रमद चकोर जो है जिसे पाइल्स में काम आता है, और ये अपना इसको मैं नाम भूल गया हूँ, हल्दी की तरह मोटा मोटा था, तिखुरकंद तो नहीं है, ये अरारोट बोलते हैं जिससे वो है, और तिखुरकंद इधर लगा हुआ है, ये अरारोट जिससे साउथ बंगाल में जिससे बनाते हैं घिस करके वो है ये। और कुछ एरिया में तो जो शैमल की तरह पौधा था उसको अरारोट बोलते हैं, लेकिन इसका कंद सफेद सफेद होता है, इसको घिसा जाता है। ये हमने कुछ अपने खाने के लिए कंद पहली बार बोया है, इसमें लाल पोई साग हो रहा है जो कि आयरन कैल्शियम का स्रोत था, ये उगने चालू में भी हमने लेट लगाया। और ये हमारा शायद गुल बकावली है, इसमें जब फूल आएंगे तो पता चलेगा कि ये कौन सी, क्योंकि अंग्रेजी में देखिए एक वाइल्ड जिंजर के नाम से आता है, उसमें सफेद फूल लाल फूल और एक सफेद लाल और पीले में होता है सुनहरे कलर में, जैसा कि मैंने आपको व्हाट्सएप के माध्यम से दिखाया भी था। तो ये वो चीजें मुझे देखनी पड़ेगी, या कुछ हो रहे तो आप बता सकते हैं कि आपकी नॉलेज में होगी क्या चीज है तो मुझे इसके बारे में बताइएगा। अदरक नहीं है आपको बता दूं, अदरक उधर मैंने लगा रखा है। और इसी कड़ी में ये मैंने इंसुलिन के प्लांट कल भी कुछ लगाए थे, और ये पहले से 4-5 लगाए थे तो मैं देख रहा था इस मिट्टी में होता है कि नहीं होता, अब हो रहा है तो लगा दिए। साथ ही ये कल 3-4 टहनियां और कटिंग करके हमने इसकी लगाई है, लाल चित्रक की, और ये लाल चित्रक का पौधा है, एक पौधा मंगाया था हमने ऑनलाइन, उसके बाद ये धीरे 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 हमने इसके बढ़ाए, वो जिस जगह लगे थे वहां पे खेत छोड़ना पड़ा था, अब यहाँ पे हमने शिफ्ट करें इसे, तो ये हो गया है, अगले साल तक इसके पौधे तैयार करेंगे। अदरक था, हमारी गलती की वजह से नहीं हुआ, बहुत गहराई में बो दिया था। तो यही कुछ चीजें जो हम लगा रहे हैं इधर और काम किए हैं। अभी इसमें बगल वाली इस टुकड़े में सब में सीड डालने हैं, बिधारा वगैरह के सबके पौधे अब डाल दूंगा, बारिश चालू हुई, गर्मी में नहीं हो पा रहे थे इसलिए हमने इसको नहीं लगाया। तो मुझे अभी सहजन के कुछ बीज चाहिए हैं जो कि ओरिजिनल किसी के पास हो तो दे सकता है, दहीमुंगा बीज और गरुड़ फली के बीज ऋषि भाई साहब जी छत्तीसगढ़ से भेज ही रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अनिल भैया भी महाराष्ट्र से नागपुर से, उन्होंने भी कुछ बीजे रखे हुए हैं हमारे लिए, जिसमें जीवंती और भी बहुत सारी चीजें हैं तो वो भेजेंगे, तो उनका भी धन्यवाद। और अभी कुछ बीज राजस्थान से हमारे मित्र जी ने भेजे थे, और 2-3 जगह से गुजरात से भी बीज आया था, कैद का आया, और भी बहुत सी बीज आए तो वो सब उगा रहे हैं। और इसमें देखिए ये मैंने सोना पाठा आपको बताऊं, जो कि बहुत जरूरी है, हमारा दशमूल का मेन घटक है, तो उसके हमने ऐसे बीज फेंक दिए थे,
लोग बोलते हैं हमारे उगते ही नहीं है। ये देखेंगे आपकी, मैंने ये इसका बीज होता है इस तरीके से, मैंने इस तरह से उड़ा दिया था, जैसे हवा में उड़ता है, उसके बाद में पानी लगा दिया। पानी लगाने के बाद ये देखेंगे, देखिए ये इसका जो सिरा देखिए ऊपरी गिर हुआ है, ज्यादा गहराई में जाएगा तो भी बीज नहीं उगता। ये हमें देखना चाहिए कि बीज कौन सा बीज ऊपर उगता है, कौन सा गहराई में उगता है। और पेड़ में भी देखिए सारे बीज पकते नहीं है, कुछ बीज कच्चे होते हैं तो नहीं उगते हैं। अगर 100% बीज उगने लगे तो हमारी धरती सब पेड़ों से भर जाएगी। इसमें हजारों बीज एक एक पेड़ में होते हैं, आपने देखा होगा, लेकिन नीचे 10-20 पौधे उगते हैं, वो नेचर ने उसी हिसाब से बैलेंस करा हुआ है। तो इसमें मैंने ऐसे लाके फेंक दिए थे इसके बीज। तो ये देखिए ये सब ये सोना पाठा है, और इसके मुझे 100 पेड़ सोना पाठा के लगाने हैं। अब इसका बीज मेरे पास 1.5 किलो पड़ा है, काफी मतलब हजारों की संख्या में इसका बीज, तो किसी भाई को चाहिए तो ले भी सकता है। और इसी के साथ ही सोना पाठा हो गया, पारिजात हो गया, और निर्गुंडी के लिए भी मैंने कहा था, कमेंट भी करा था ग्रुप में, तो मैंने नोट करके रखा भी, कमेंट करा तो उसको पूरा नहीं करना, इतने पौधे लगाने को बोल तो दिया था मैं आके। अब उसके लिए फिर मैंने ये निर्गुंडी की कलम बनाई है, और अभी कुछ फिर हम लगाएंगे नदियों किनारे, जैसे ये अभी हो रहा है इसको बाद में उठा के वहां लगा लेंगे। तो यही चीज है, यही करते रहते हैं, और हम प्रकृति का आनंद ले रहे हैं, इस खुली हवा ले रहे हैं। आपको भी दिखाएं यहाँ पे, ये हवा चल रही है, मानसून आ चुका है, आसमान में बादल हैं, दिन के 1 बजे हुए हैं। बहुत ही आनंद आता है ऐसे मौसम में खेतों में घूमना, नदी नालों किनारे घूमना। और इस समय खेत में कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, काम करने वाले मजदूर बैठ जा चुके हैं अपना भोजन वोजन करने के लिए दोपहर में। इसी के साथ ही आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, जय प्रगति माता की।